हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आज कानपुर में मौसम भी बहुत अच्छा है, तो आज मैं चूल्हे में खाना बनाने वाली हूँ। जिसके लिए हम अपनी छत में आए हुए हैं और छत में हमने कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं। ये है हमारा छोटा सा गार्डन जहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, नीचे हमारा बहुत बड़ा गार्डन है। ये हमने छत में छोटा सा गार्डन लगाया हुआ है और हमारा बेटा भी खेल रहा है। आज हम चूल्हे में खाना बनाने वाले हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम आज चूल्हे में खाना बनाऊंगी। इससे पहले मैं अपने अपने गाँव में एक चूल्हे में खाना बनाया है, बट मैंने ससुराल में कभी भी अपने चूल्हे में खाना नहीं बनाया है। आज मैं पहली बार बनाऊंगी। आज मौसम बहुत अच्छा है, तो आज हम बनाएंगे जवार रोटी। इसे हमारे यहाँ कानपुर में जुंडी की रोटी भी बोलते हैं। बनाना इसे थोड़ा सा टफ होता है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसे बनाओ, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। साथ में बनाएंगे चने का साग, और सर्दियों में तो एक दो बार ये बनना बहुत ही जरूरी है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जवार की रोटी और चने का साग। तो चलिए, हम अपनी छत में हैं, तो आपको हम अपनी छत से नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का मौसम है। तो ये देखिए, अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं और ये मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुहावना मौसम है। और आज गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी को एक बार गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चने का साग। चने का साग तो हम गैस में ही बना लेंगे, चूल्हे में नहीं बनाएंगे। चूल्हे में सिर्फ हम जवार की रोटियां बनाएंगे। तो सबसे पहले भगोने में मैंने पानी रखा हुआ है, उसमें हम चने की दाल डालेंगे। आप चने की दाल की जगह उड़द की दाल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे प्लेट से कवर कर देंगे, जिससे कि चने की दाल जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमें चने की दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बट ये हल्का सा क्रंची ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए, जब इसमें थोड़ा सा झाग जैसा आने लगेगा, तो इसका ये जो झाग जैसा है, ये हम एक कटोरी में निकाल देंगे। और ये देखिए, दाल भी हमारी हल्की सी पक गई है। 4-5 मिनट में ही मैंने इसे पकाया हुआ है। अब हमने यहाँ पर ये चने का साग काट के रखा हुआ है, तो चने का साग डाल देंगे। और चने का साग किस तरीके से आप चाकू से बहुत आसानी से काट सकते हैं, इसका वीडियो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। देखिए, हम इसमें ये चने का साग डाल देंगे और इसे पका लेंगे। तो चने का साग पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं। और जब तक हमारा चने का साग पक रहा है, तब तक हम ये बेसन का घोल तैयार करेंगे, जिससे साग जो होता है वो थोड़ा सा चिकना हो जाता है, और बेसन की जो सौंधापन होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें जवार के आटा भी घोल के लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बट ये इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। इधर हमारा ये जो चने का साग है, वो 10-15 मिनट तक पक गया है और बहुत अच्छे से पक गया है, दाल भी पक गई है। तो ये जो घोल हमने तैयार किया हुआ है, इसे हम डाल देंगे। और जब हम इसे डालेंगे, तो लगातार हम चलाते रहेंगे, अदरवाइज इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो ये देखिए, हम इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। अगर आपको थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिला दिया हुआ है, और मुझे ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो उसी कटोरी को धुल के मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया हुआ है, और ये इस तरीके का है। अभी हम इसे और पकाएंगे, तो कम से कम 7 से 8 मिनट हम इसे और पकाएंगे। थोड़ा सा हम इसमें आमचूर पाउडर डाल देंगे। वैसे चने का साग खट्टा होता है, बट थोड़ी सी खटास इसमें ऊपर से बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला हुआ है। साथ में हम मिर्ची, अदरक, लहसुन सब कुछ कूट के, बिल्कुल बारीक बारीक कूट के डालेंगे। इससे साग बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, इसे हमने डाल दिया हुआ है, और साथ में हम इसे पकने देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लहसुन अदरक का। बाद में लहसुन का तड़का तो हम इसमें लगाते ही हैं। साग हमारा बन के तैयार हो गया है। मैंने एक तड़का पैन में सरसों का तेल गरम होने के लिए रखा है। तेल गरम हो गया है, हमने इसमें लहसुन डाल दिया हुआ है। साथ में हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग का भी फ्लेवर चने के साग में अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं पसंद है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, लहसुन हमारा अच्छे से भुन गया है, तो ये तड़का हम चने के साग में डाल देंगे इस तरीके से, और इसे कवर कर देंगे। तुरंत ही हम इसके कवर कर देंगे, जिससे कि सारा फ्लेवर इसके अंदर बना रहे। तो ये देखिए, 5 मिनट बाद हम इसे खोल के अच्छे से मिला देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, चने का साग हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम जवार की रोटी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जवार का आटा तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जवार का आटा लगाएंगे। आटे को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ इसकी रोटियां बनाने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये देखिए हमने इस तरीके का ये आटा मिक्स कर दिया हुआ है। अब थोड़ा सा हम आटा लेंगे और उसे हाथ से इस तरीके से अच्छे से छील लेंगे। तो बहुत अच्छे से मस लेंगे तभी ये आटा एकदम स्मूद होगा और रोटियाँ अच्छे से बनेंगी, अदरवाइज़ रोटियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा फटती हैं। तो ये हमारा आटा तैयार हो गया है और चूल्हा भी हमारा जल गया है। तो इस तरीके से हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, दोनों हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी, और बहुत ही सावधानी पूर्वक हम हथेलियों की सहायता से रोटी को बड़ा करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगी, जवार की रोटी बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आप ध्यान रखें कि आप बड़ी रोटी ना बना के छोटी छोटी रोटियाँ बनाएं तो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। बड़ी रोटी बनाते हैं तो हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो टूट जाती हैं, इसलिए हम छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे। ये देखिए, अगर आपको तवे में डालने के बाद कहीं पर लग रहा है कि क्रैक्स वगैरह है तो आप हाथ से उसे जोड़ सकते हैं। और ये मेरा बेटा खेल रहा है। तो जब एक साइड से रोटी बहुत अच्छे से पक जाए इसके बाद ही हम इसे पलटेंगे, नहीं तो ये टूट जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है जवार का। ये देखिए, जब दोनों साइड से रोटी अच्छे से सिक जाएगी तो हम इसे उतार के चूल्हे में सेक लेंगे। और ये हमारी जवार की रोटियां बनके तैयार हो गई हैं। इसे हमने सर्व किया है चने का साग और जवार की रोटी में खूब सारा घी लगा के। मुझे इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। साथ में हरी मिर्च का अचार है, आप इसमें भरवा मिर्च भी खा सकते हैं और इसके साथ में मूली भी बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक की बटन को ज़रूर हिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।